नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज हम बनाएंगे छोले पनीर। बनाएंगे छोले पनीर। तो देखिए यहाँ पे हरी मिर्च ली हूँ थोड़ी सी, कसूरी मेथी, चार टुकड़ा अदरक, 250 ग्राम पनीर, 6 टमाटर, 1.5 चम्मच पनीर मसाला, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच देगी मिर्च, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1 तेज़पत्ता, आधी चम्मच जीरा और थोड़ी सी दालचीनी। तो चलिए मैंने उधर छोले उबालने दिया हूँ, जब हमारे छोले उबल जाएगा उसके बाद हम सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने पनीर को भी काट लिया हूँ, अदरक और हरी मिर्च और टमाटर को भी पीस लिया हूँ, छोले भी उबल गया है, एक आलू भी उबाली हूँ, क्योंकि छोले में थोड़े से आलू ऐड करने से छोले की जो तरी होता है वो गाढ़ी गाढ़ी बनती है। तो चलिए पहले हम पनीर को भून लेंगे, उसके सब सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। कढ़ाई चढ़ा दो, कढ़ाई में 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ, पनीर को भून लूँगी। से पनीर भून गया हूँ तो पहले पनीर को निकाल लूँगी। तेल ऐड कर रही हूँ, चीनी ऐड कर रही हूँ। जब चीनी गोल्डन कलर का हो जाएगा उसके बाद हम तेज़पत्ता, जीरा और दालचीनी ऐड करूँगी। चीनी गोल्डन कलर का हो गया है, तेज़पत्ता, जीरा और दालचीनी ऐड कर दिया हूँ। जीरा, तेज़पत्ता और दालचीनी भूंज गया है। अब टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को पीस कर रखकर उसको ऐड करूँगी। दालचीनी, देगी मिर्च ऐड कर दिया हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। मसाला को अच्छी तरह से भूज लूंगी जब तक ना हमारा मसाला में तेल ना, मसाला को अच्छी तरह से भूज लूंगी जब तक ना मसाला में ऊपर ना तेल ना आ जाए। मसाला भून चुका है, देखिए तेल भी ऊपर आ गया है। तो चलिए अब छोले को ऐड कर दूंगी। मैंने छोले कट कर दिया हो, आलू कट करूंगी। आलू छोले अच्छी तरह से मिला लूंगी, उसके बाद पनीर मसाला ऐड करूंगी। अच्छी तरह से मिला लियो, पनीर मसाला ऐड कर रही हूँ। पनीर मसाला ऐड कर दिया, चलिए उसको अच्छी तरह से भून लियो। पानी ऐड कर दूंगी, फिर से मसाला अच्छी तरह से भून लियो छोले के साथ। अच्छे तरह से भूज लिया छोले को, चलिए पानी ऐड कर देती हूँ। मैं छोले मसाला अच्छी तरह से भूज लिया हूँ, तो चलिए अब उसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कर देती हूँ। 1 गिलास पानी ऐड किया हूँ, अब पनीर को ऐड कर देती हूँ। छोले पनीर को ढक देती हूँ, छोले पनीर को ढक दिया हूँ, और 5 मिनट के लिए ढक के पका लूँगी। मैंने 5 मिनट के लिए ढक के पका लिया हूँ, चलिए इसको कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी। कसूरी मेथी, इसे खोल आ जाएगा उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। आप इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने हरा धनिया ऐड नहीं किया हूँ। कसूरी मेथी ऐड करके भी खोला गया, चलिए गैस को बंद कर देती हूँ। हमारा छोले पनीर की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार, देखिए कितनी सुंदर बनी है, गाढ़ी गाढ़ी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।